आजकल ये रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन दिखाई दे रहा है, यंग जनरेशन ओल्ड जनरेशन सब में दिखाई दे रहा है। उसकी वजह यह है कि लैक ऑफ एक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अपनी लाइफस्टाइल में जो बहुत ही चेंज आया है, मोटापा, ये सब चीज़ की वजह से होता है। और इसका सिंपल सॉल्यूशन है करेक्शन ऑफ दीज थिंग्स, मतलब कि आपका पोस्चर करेक्ट करें। प्रोफेशनल हैज़र्ड की वजह से बैकएक होता है तो इसको आप करेक्ट करें। लाइक कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करने वाले लोगों को ये काफ़ी हद तक देखने में आता है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, ज़रूरत पड़ने पर मसल रिलैक्सेशन दवाई जो आती है, नॉन स्टीरोइडल ड्रग्स, उसका इस्तेमाल करें। रीढ़ की हड्डी अपने शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो पूरे शरीर का लोड लेती है, तो टेक केयर ऑफ द होल स्पाइनल एक्सिस। लेकिन सिंपल बैकएक से अगर प्रॉब्लम बढ़ता है फॉर एनी रीज़न, कि जैसे दोनों पैर में दर्द जाता है, चलने में दिक्कत होती है, पैर से चप्पल निकल जाते हैं, पैरों में पैरालिसिस की इफ़ेक्ट आती है, या तो स्टूलन यूरिन का कंट्रोल चला जाता है, तो वो सिंपल चीज़ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है। और उसके लिए कंसल्टेंट, उसके स्पेशलाइज डॉक्टर को सलाह मशवरा करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनकी एडवाइस के हिसाब से सिटी स्कैन, एमआरआई जैसी स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और उसमें अगर नस दबती है, ऐसा डायग्नोसिस होता है कि नस दबने की वजह रीढ़ की हड्डी में गांठ होना, इन्फेक्शन होना, पस होना, या तो बहुत ही कॉमन जो है वो प्रोलैप्स डिस्क, मतलब कि गादी का खिसक जाना, तो वो चीज़ को अगर कंसल्टेंट एडवाइस करते हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ऑपरेशन से काफ़ी लोग डरते हैं कि रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन वो पहले के ज़माने की बात थी। अब न्यूअर डायग्नोस्टिक लाइक सिटी स्कैन, एमआरआई और ऑपरेशन की नई टेक्निक जैसे एंडोस्कोपिक सर्जरी, दूरबीन से करने वाली सर्जरी, या तो माइक्रो सर्जरी, माइक्रोस्कोप, जिसमें 1 सेंटीमीटर से छोटे इंसिजन से पूरा ऑपरेशन हो सकता है। ये ऑपरेशन बहुत ही आराम से, कोई कॉम्प्लिकेशन के बिना ये हो सकता है। तो ऑपरेशन से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और यहाँ सिम्स हॉस्पिटल में हमारी पूरी टीम है कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन की। आप रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखिए, वो स्पाइन आपका ध्यान रखेगा। थैंक यू।